कैसे पिता के त्याग और समर्पण ने टीम इंडिया को दिया आक्रामक बल्लेबाज। वो खिलाड़ी जिसकी आक्रामक बल्लेबाजी देखकर टीम इंडिया का दूसरा वीरेंद्र सहवाग कहा गया। महाराष्ट्र के लिए एक राजनेता ने कैसे बदल दी पृथ्वी की किस्मत। कैसे सेल्फी विवाद के कारण पृथ्वी को थाने तक जाना पड़ा। वो खिलाड़ी जिसने अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को अंडर 19 विश्व कप जिताया। क्रिकेट इतिहास में बहुत से ऐसे खिलाड़ी नजर आए हैं जिन्होंने किसी न किसी क्रिकेटर को अपना आदर्श माना है। फिर इसमें यह बात मायने नहीं रखती कि वह क्रिकेटर किस टीम से ताल्लुक रखता है, क्योंकि किसी को आदर्श मानने के लिए एक शहर एक देश से वास्ता होना जरूरी नहीं है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले खिलाड़ी मास्टर ब्लास्टर सचिन रमेश तेंदुलकर जब रिटायर हुए तो बहुत से लोगों के जहन में यह सवाल आया कि मौजूदा समय में कोई ऐसा खिलाड़ी है जो सचिन के खेल के आसपास तक पहुंच सकता है। विराट कोहली का नाम सबसे ऊपर आया क्योंकि विराट के रोल मॉडल सचिन तेंदुलकर ही रहे हैं। वैसे टीम में बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जो सचिन को अपना रोल मॉडल मानते हैं, लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा भी है जिसने 13 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर को अपना रोल मॉडल माना और सचिन की 364 रनों की स्कूली पारी से प्रेरणा लेते हुए स्कूली क्रिकेट में 546 रन ठोक डाले। तब विश्व क्रिकेट को एक पल के लिए लगने लगा कि क्रिकेट को दूसरा सचिन मिल गया और वो नाम था पृथ्वी शॉ, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र से ही सचिन का पीछा करना शुरू कर दिया था। हालांकि पृथ्वी शॉ को दूसरा सचिन कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि सचिन ने 24 साल 22 गज की पट्टी पर बिताए हैं और पृथ्वी शॉ अभी इसमें कोसों दूर है। दोस्तों, आप देख रहे हैं चक दे क्रिकेट की खास पेशकश और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने अपने करियर की शुरुआत में ही स्टारडम को जन्म दे दिया और कई विवादों से भी नाता जोड़ लिया। अभी यह खिलाड़ी अपने खराब प्रदर्शन के चलते टीम इंडिया से बाहर जरूर है, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस कर रास्ता बना रहा है। हम बात कर रहे हैं भारतीय टीम के आक्रामक बल्लेबाज पृथ्वी शॉ के बारे में। वो खिलाड़ी जो क्रिकेटर बनने का ख्वाब लिए बिहार से मुंबई जा पहुंचा और यहाँ उसने संघर्ष की सारी हदें पार करते हुए देश का प्रतिनिधित्व किया। आज हम इसी पृथ्वी शॉ के जीवन को टटोलने की कोशिश करेंगे, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आज पृथ्वी शॉ जहाँ खड़े हैं उसके पीछे उनके पिता का त्याग और बलिदान कितना है। पृथ्वी शॉ का जन्म 9 नवंबर 1999 को मुंबई में रहने वाले पिता पंकज शॉ के घर हुआ था। पृथ्वी शॉ का परिवार बिहार से ताल्लुक रखता है। बिहार में पृथ्वी के दादा अशोक गुप्ता कपड़ों की दुकान चलाते थे और आगे चलकर यही काम पृथ्वी शॉ के पिता ने भी जारी रखा। पिता पंकज ने महाराष्ट्र में थोक व्यापारियों से कपड़े खरीदकर उन्हें सूरत आदि शहरों में बेचते थे। पृथ्वी शॉ जब 4 साल के थे तो इनकी माँ का निधन हो गया। पृथ्वी का मन माँ की तरफ ना जाए इसके लिए पिता पंकज ने इनका सारा फोकस क्रिकेट की तरफ मोड़ दिया। इसके लिए उन्होंने पृथ्वी को एक प्लास्टिक का बैट लाकर दे दिया। शुरू शुरू में पृथ्वी को उनके पिता ही प्रैक्टिस करवाते थे। कुछ समय बाद पिता को अपने बेटे में क्रिकेट के खेल में प्यार और पोटेंशियल नजर आने लगा तो उन्होंने अच्छे स्तर में अपने बेटे को क्रिकेट की ट्रेनिंग दिलाने का फैसला कर लिया। पृथ्वी के पिता को पूरा विश्वास था कि अगर उनके बेटे को एक अच्छा कोच और अच्छी ट्रेनिंग मिल जाए तो वह एक क्रिकेटर बन सकता है। और कुछ ऐसा करने के लिए पंकज ने बेटे को क्रिकेटर बनाने के लिए अपने कपड़े के व्यवसाय को बंद कर दिया जिससे वो पृथ्वी को ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकें। और फिर पृथ्वी का एक महान बल्लेबाज बनने का सफर विराट से शुरू हुआ। पिता पृथ्वी को रोज बाइक रेलवे स्टेशन तक ले जाते थे जहां से पृथ्वी रोजाना 70 किलोमीटर का सफर तय करते हुए बांद्रा पहुंचते और वहां पृथ्वी अपनी उम्र से बड़े लड़कों के साथ प्रैक्टिस किया करते थे। पृथ्वी बढ़िया क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन पिता के काम छोड़ने के बाद उनकी आर्थिक हालत खराब होने लगी थी। पृथ्वी शॉ और उनके पिता ने लगभग 3 सालों का गुजारा अपनी सेविंग से किया। इसके बाद पृथ्वी की प्रतिभा को देखते हुए उन्हें छोटी सी उम्र में ही स्कॉलरशिप मिलने लगी थी। इंडियन ऑयल जैसी बड़ी कंपनी की तरफ से पृथ्वी को स्कॉलरशिप के रूप में एक बड़ी रकम मिलने लगी। साथ ही पृथ्वी शॉ को महाराष्ट्र के एक राजनेता संजय पाउटने ने देखा तो पृथ्वी के खेल से वो बहुत प्रभावित हुए तो उन्होंने पृथ्वी और उनके पिता को बांद्रा में एक घर लेकर भी दे दिया, जिससे पृथ्वी को रोज मोटरसाइकिल और ट्रेन में धक्के खाने की जरूरत ना पड़े। और इस तरह पृथ्वी हर मुश्किल परिस्थिति को आसान कर अपनी मंजिल की ओर जा रहे थे। इनका क्रिकेट सफर तो जारी ही था, साथ ही इनकी पढ़ाई लिखाई भी, जिसकी शुरुआत JVS विद्या मंदिर से शुरू हुई जहां उनका दाखिला 3री कक्षा में हो गया। स्कूल की क्रिकेट टीम में आगे चलकर उन्हें खेलने का अवसर भी मिला जहां उनके अच्छे प्रदर्शन को देखकर कप्तान बना दिया गया था। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि पृथ्वी अपनी क्रिकेट की इच्छा को लेकर सबसे पहले चर्च गेट आए थे, लेकिन यहाँ के कोच ने इनकी उम्र को देखकर कोचिंग देने से मना कर दिया था। और लगभग 8 साल तक आते आते पृथ्वी JMIC क्रिकेट क्लब पहुँच गए थे जहाँ अर्जुन तेंदुलकर उनके टीम मेट थे। पृथ्वी के साथ खिलाड़ी जहाँ पूरे दिन मस्त रहते, वहीं पृथ्वी को एक कठिन दिनचर्या से होकर गुजरना पड़ता था।
सुबह जल्दी उठना, फिर स्कूल के लिए तैयार होना, ब्रेकफास्ट में एक रोटी खाकर जाना होता था। पृथ्वी की दिनचर्या में सिर्फ क्रिकेट ही क्रिकेट होता था। सुबह स्कूल में क्रिकेट, फिर ग्राउंड पर क्रिकेट, फिर जब तक सूरज ना अस्त होता तब तक क्रिकेट खेलनी पड़ती थी। इसके बावजूद पृथ्वी ने कभी अपने पिता से शिकायत नहीं की। पृथ्वी जब 10 साल के हुए तो नीलेश कुलकर्णी की नज़र इन पर पड़ी, तो उन्होंने पृथ्वी की स्किल को सुधारने में काफ़ी मदद की और फिर पृथ्वी को इंग्लैंड जाकर अपने खेल का जादू दिखाने का मौका भी मिला। पृथ्वी किसी भी कंडीशन में खुद को स्थापित कर लेते, यही खूबी उनके खेल को और निखार रही थी। तब 12 साल के इस लड़के ने 1000 से भी ज़्यादा रन बनाए। ये वही पृथ्वी सौ हैं जिन्होंने 9 साल की उम्र में अपनी स्कूली टीम को 3 बार खिताब जिताया था। यहाँ उनका प्रदर्शन एक बल्लेबाज के तौर पर शानदार रहा था। एक बार पृथ्वी स्कूल की तरफ से शेफील्ड सील टूर्नामेंट में कप्तान के तौर पर उतरकर अपनी बेजोड़ पारी से अपनी टीम को जिताकर सबको मोहित बना लिया था। पृथ्वी को एक बार फिर इंग्लैंड जाने का मौका मिला। अब तो पृथ्वी मुंबई की अंडर 16 टीम को भी लीड करने लगे थे। हर स्तर पर पृथ्वी का प्रदर्शन अच्छा रहा था, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा होना बाकी था जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। आपको याद होगा 16 नवंबर 2013 को सचिन आखिरी बार मैदान पर उतरे थे। इसके 4 दिन बाद पृथ्वी शॉ ने स्कूल क्रिकेट में रिजवी स्प्रिंगफील्ड की टीम के खिलाफ खेलते हुए 330 गेंदों में 546 रन ठोक डाले थे। फिर यहां से पृथ्वी शॉ की तुलना सचिन तेंदुलकर से होने लगी, क्योंकि सचिन में स्कूल क्रिकेट के जरिए ही सबकी नज़र में आए थे। अब पृथ्वी को सभी जानने और पहचानने लगे थे। जिस सचिन की तुलना उनसे की जा रही थी वो भी पृथ्वी के तकनीक से काफ़ी प्रभावित थे। सचिन कई बार पृथ्वी को बल्लेबाजी देखने ग्राउंड तक पहुंच जाते थे और इसी तरह एक बार सचिन और पृथ्वी की मुलाकात हुई, तब सचिन ने उन्हें बल्ला भेंट किया। साल 2016 में पृथ्वी को इंडिया की अंडर 19 टीम में जगह मिल गई। यहाँ उनकी मुलाकात कोच राहुल द्रविड़ से हुई और राहुल द्रविड़ की कोचिंग में पृथ्वी ने अपने खेल को खूब निखारा। पृथ्वी ने ऐसा खेल दिखाया कि उन्हें घरेलू क्रिकेट में लाने की बात होने लगी। साल 2016 में ही मुंबई की रणजी टीम एक ओपनर की खोज कर रही थी, तो किसी ने राहुल द्रविड़ से पृथ्वी शॉ के बारे में पूछा। इसके बाद 1 जनवरी 2017 पृथ्वी के लिए यादगार दिन बना। उन्होंने मुंबई की तरफ से घरेलू क्रिकेट में डेब्यू किया और मैच की दूसरी पारी में पृथ्वी ने सैकड़ा जड़ अपने खेल का अद्भुत परिचय दिया। साल 2017 में पृथ्वी ने दलीप ट्रॉफी में भी डेब्यू किया और यहाँ भी पृथ्वी ने शतक जमा दिया और सचिन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। पृथ्वी के लिए अब वक्त आ गया था कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना करिश्मा दिखाएं और यही मौका पृथ्वी शॉ को साल 2018 ही अंडर 19 विश्व कप में मिला। पृथ्वी इस टूर्नामेंट में टीम को लीड कर रहे थे और उन्होंने अपनी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया को हराकर टीम को चैंपियन बना दिया। पृथ्वी ने इस विश्व कप में 2 मैचों में 268 रन बनाए थे। इसके बाद साल 2018 में भी पृथ्वी ने अपना IPL डेब्यू किया, जहां दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम ने उन्हें 1,20,00,000 की बड़ी रकम में खरीदकर शामिल कर लिया। पृथ्वी ने सिर्फ 18 साल की उम्र में IPL डेब्यू किया, जो एक इतिहास था। पृथ्वी IPL में धूम मचा रहे थे। इसी साल 2018 में उन्हें इंग्लैंड दौरे पर जाने वाली टेस्ट सीरीज के लिए चुन लिया गया, लेकिन उन्हें खेलने का अवसर नहीं मिला। इसके बाद उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में चुना गया। 4 अक्टूबर 2018 को पृथ्वी ने टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया। पृथ्वी यहाँ ना तो रुके ना ही थके। उन्होंने डेब्यू टेस्ट में शतक लगाकर साबित कर दिया कि वो कितने खतरनाक हो सकते हैं। इस शतकीय पारी में पृथ्वी शॉ ने 134 रन बनाए थे। पृथ्वी के लिए साल 2020 मुसीबत लेकर आया, जब BCCI ने उन्हें डोपिंग टेस्ट में दोषी पाया और 8 महीने का बैन लगा दिया। पहले 8 महीने, फिर कोरोना उनके करियर के लिए काल बन गया। इतना सब होने के बाद एक खिलाड़ी टूट जाता है, लेकिन पृथ्वी ने हिम्मत नहीं हारी और साल 2021 में विजय हजारे ट्रॉफी में वापसी की और टूर्नामेंट में 727 रन बनाए। इसमें एक दोहरा शतक भी शामिल था। पृथ्वी से जैसी उम्मीदें थी वो धूमिल होती चली गई। वनडे क्रिकेट में पृथ्वी कुछ खास नहीं कर सके। इसके बाद टेस्ट टीम से भी उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे से बाहर होना पड़ा। पृथ्वी ने खुद साबित किया IPL में, जब एक मैच में उन्होंने लगातार 6 गेंदों में 6 चौके जमा दिए, लेकिन अन्य मैचों में कोई बड़ी पारी उनके बल्ले से नहीं निकली। उनका खराब प्रदर्शन IPL में नजर आया। पृथ्वी टीम इंडिया में जगह बनाने के लिए काउंटी क्रिकेट में पसीना बहा रहे हैं, जहां उन्होंने इंग्लिश टूर्नामेंट रॉयल लंदन वनडे कप में दोहरा शतक ठोककर कई सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर डाले और विस्फोटक अंदाज में खेलते हुए 153 गेंद पर 244 रनों की यादगार पारी खेली। इस इनिंग के दौरान शॉ के बल्ले से 28 चौके और 11 गगनचुंबी छक्के निकले। शॉ इस टूर्नामेंट में दोहरा शतक जमाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज भी हैं। पृथ्वी शॉ एक बार सेल्फी के चलते इन्फ्लुएंसर सपना गिल के साथ विवादों में आए, जहां मामला मारपीट तक जा पहुंचा। फिर पृथ्वी पर एफआईआर तक हुई, लेकिन कुछ समय बाद विवाद ठंडा हो गया। दोस्तों, आइए अब नज़र डालते हैं पृथ्वी शॉ के अब तक के क्रिकेट करियर पर। पृथ्वी ने 5 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 1 शतक के साथ 339 रन बनाए हैं।
वहीं 6 ओडीआई मैचों में 189 रन बनाए हैं। पृथ्वी ने 71 आईपीएल मैचों में 1694 रन बनाए हैं। इसके अलावा उन्होंने घरेलू क्रिकेट करियर पर नजर डालें तो फर्स्ट क्लास के 44 मैचों में 3802 रन, लिस्ट ए के 56 मैचों में 2931 रन बनाए हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि पृथ्वी शॉ आज जिस मुकाम पर हैं उनके पिता पंकज के त्याग और बलिदान का समर्पण है। आप पृथ्वी के करियर को कैसे देखते हैं, आप हमें अपनी राय वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। अगले अंक में मिलेंगे एक और खिलाड़ी के साथ, एक और स्टोरी के साथ। अभी दीजिए इजाजत, धन्यवाद।